गाइस मैं जंगलों के बीच में आ चुका हूँ और पक्षी का तो पता नहीं, एक पक्षा मिल गया बहुत बड़ा। गाइस फाइनली मुझे मिल चुका है यही पुल की मैंने बात कर रहा था। इस पुल पे जाते हुए तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, कहीं ये पुल ही ना हो जाए। मैं आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं, वहाँ पे मोड़ है। देखो ये किस जानवर के हड्डी जिंदगी है। Hey guys, good morning, welcome back again with my new video. So guys, नए साल की शुरुआत कर रहे हैं हम नए वीडियो से। नए साल की आज पहली वीडियो है। सो गाइज आज अभी का प्लान ऐसा है कि हम जा रहे हैं मोटो ब्लॉगिंग के लिए और रेडी हो चुका हूँ मैं, जूते वगैरह सब डाल लिए और निकलते हैं मोटो ब्लॉगिंग के लिए। और दिखाता हूँ मौसम हो रहा है बहुत ही प्यारा, आज धूप वगैरह निकली, ठंड काफ़ी ज़्यादा है, सो बारिश वाला मौसम हो रहा है पूरा। सो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। सो लेट्स गो, आप लोगों को भी लेके चलता हूँ मैं बेहतरीन राइड पे। लेट्स गो। बाइक मैंने चमका ली है पूरी, ये हमारी धनो रेडी हो चुकी है पूरी, और निकालते हैं इसे और लेट्स गो चलते हैं। सो होप गाइस कैमरा एंगल सही हो। यहाँ से हमने कैमरा सेटअप कर लिया है और अब निकलते हैं। वैसे ठंड नहीं है लेकिन बाइक पे यार हवा लगती है तो ठंड लगती है हल्की हल्की। वैसे ज़्यादा ठंड नहीं है आज, इसलिए मैंने पतली सी हुडी पहनी है बस। इस तरह की हेल्प बहुत अच्छी चीज होती है। वैसे गाइस ओखला बर्ड सेंचुरी में कल मैं देख रहा था कि बहुत सारे बक्से आ गए हैं ठंड में जो आते हैं, तो सोच रहा हूँ मैं जब निकला ही हूँ मोटो ब्लॉगिंग के लिए तो उसका भी एक चक्कर मार के आ जाऊँ। हमारा काम है आप लोगों को बैठे बैठे पूरा दिल्ली NCR घुमाना। अभी तो फ़िलहाल दिल्ली NCR, बाकी पूरा ट्राई करते हैं हम बाहर भी जाएं। यार उत्तराखंड बहुत जाने का मन है बाइक से। तो गाइस ये वाली सीधी रोड जाती है ओखला बर्ड सेंचुरी के लिए। ये है शनि मंदिर, ये बहुत पुराना शनि नाम है अमिताभ बच्चन पार्क, मजाक से हट के अमिताभ बच्चन पार्क ही नाम है इस पार्क का। बहुत सारी स्कूल की यादें जुड़ी हैं इस पार्क से, कुछ बंदे इस पार्क में बंक मार के आते थे, मैं नहीं, सब उनकी यादें जुड़ी होंगी, सब देख रहे होंगे वीडियो। ए इतना अंधेरा क्यों है मेरे भाई? इसके बाद उजाला ही उजाला है, आ जाइए आ जाइए। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं ओखला बर्ड सेंचुरी, बाइक को करते हैं पार्क। ओखला पक्षी विहार। गाइस एंट्री ले ली हमने ओखला बर्ड सेंचुरी पे और हमें थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इस बार हम वो चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे जो हम पहले कभी नहीं गए हैं। यहाँ पे पुल वगैरह भी हैं जो कि मैंने वीडियोस में देखा था, वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। सो देखते हैं। सो गए उस साइड देख सकते हो बहुत सारे हिरन आ रहे हैं। अरे नहीं ये तो बकरी है। वैसे एक बार व्यू चेक करो कितना प्यारा व्यू आ रहा है। क्या कर रहे है यार तू? तो मजाक है क्या? आपको एक बात बता दूं,
ओखला बर्ड सेंचुरी में आपको कोई बर्ड मिले ना मिले, लेकिन आपको हर बर्ड की फ़ोटो ज़रूर मिल जाएगी, जो कि आपको वैसा ही अनुभव देती है। इसमें इतने सारे बर्ड की फ़ोटो लगी हुई है, लेकिन इनमें से हमें एक भी बर्ड नहीं दिखा है। हमें मीन्स मुझे फाइनली अभी एक पक्षी की आवाज़ सुनाई दी मुझे। हाँ, कौआ है। ये वाला पक्षी कहाँ है यार? बस बोर्ड लगा रखे हैं, कुछ नहीं, साइड पूरा दलदल बना रखा है। गाइस फाइनली मुझे मिल चुका है, यही पुल की मैंने बात कर रहा था। मेरी एक फ्रेंड आई थी यहाँ पे, उसने बताया था कि यहाँ पे एक पुल भी है। मैंने बोला कि ऐसा तो मुझे कुछ नहीं दिखा, तो ये यहाँ पे है पुल। इस वाले पक्षी से हमें सावधान रहना पड़ेगा, कहीं हमारे कैमरे के आगे ना आ जाए। इस पुल पे जाते हुए हमें तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, कहीं ये पुल ही ना हो जाए। गाइस यहाँ पे मुझे लगता है किसी भूत की आवाज़ आ रही है। गाइस मैं जंगलों के बीच में आ चुका हूँ, और पक्षी का तो पता नहीं, एक पक्षा मिल गया है बहुत बड़ा। भैंस यहाँ पे धूम मचा रही है खाना खा के। गाइस लिटरली आज मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने के मूड में आया था, तो मैं पूरा डीप इसके अंदर घुस चुका हूँ। देखते हैं ये रास्ता कहाँ जाता है। दोनों साइड देख सकते हो जंगल है, बस बीच में ये पाथ है चलने वाला। चलते हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचेंगे आज हम। सो गाइस आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं, वो वहाँ पे मोड़ है, पास से दिखाता हूँ जाके। गाइस मैं तेज जाऊंगा तो उड़ जाएगी। सो गाइस देखो देखो देखो, आगे आगे आगे, और इधर चले गए जंगलों में। होप आप लोगों को दिखा होगा। सो गाइस बिल्कुल एंड में जाके मुझे यहाँ पे एक मंदिर मिला है, और बहुत ही पुराना मंदिर लग रहा है ये। और यहाँ पे हवन वगैरह करके कर रखा है, और उस साइड कुआं दिख रहा होगा आपको, इस साइड हवन का भी है। ये मंदिर है, कोई नहीं है लिटरली गाइस यहाँ पे, यहाँ तक कोई नहीं आता इतना अंदर। मैं अंदर आपको दिखाने आया हूँ। गाइस आप लोगों के लिए मैं इतना रिस्क उठा रहा हूँ, तो आप लोग भी वीडियो पे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। सो गाइस मुझे यहाँ पे मिली है बैठने की मस्त जगह, मैं सोच रहा हूँ यहीं बैठूँ थोड़ी देर। देख लो गाइस मैं कहाँ आ चुका हूँ, जगह ढूंढते ढूंढते एक बंदा नहीं है यहाँ पे। सो गाइस पूरा घूम लिया है, चलते हैं वापस। और टाइम हो गया है 4:20, बंद भी होने वाला है ये, तो वापस जा रहे हैं हम। सो गाइस देखो ये किस जानवर की हड्डी मिली है मुझे, पता नहीं किसी जानवर की हड्डी है। सो गाइस ओखला बर्ड सेंचुरी निकल चुके हैं, और खाना पीना भी खा लिया है, मोमोज खा लिया है, और अब वापस जा रही हूँ घर। वापस चलता है घर, और घर पे जाके मिलता हूँ आपसे। घर पे शायद से विक्की और सवित बैठे हुए वेट कर रहे हैं, कॉल आई थी उनकी। सो गाइस मैं घर पहुँच चुका हूँ, और विक्की आ रखा है यहाँ पे। सवित अभी गया थोड़ी देर पहले। सो विक्की के साथ सुबह ही सुबह एक बहुत की काफ़ी दुखी है, दुर्घटना हो गई। नए साल मतलब स्टार्टिंग है इसके लिए बहुत बेकार हुआ, इसका स्टार्टिंग नया साल बहुत बेकार हुआ, क्योंकि इसका फ़ोन पूरा टूट चुका है। देखो सुबह नहीं कल शाम था, हाँ तो कल ही नया साल था भाई, आज 2 तारीख है। उनकी इसने पिछले साल ही फ़ोन लिया था। वही ऐसे मत कर, पता लगे जो सही है वो भी तो
कुछ सही नहीं होगा उनकी हालत देखो। तो ये सर्विस सेंटर ले गया था, बता सकते हो कौन कौन से पार्ट सही है, हम निकाल लेंगे। पूरा फोन बैंड हो चुका है, पूरा पैन दिख रहा होगा। और सर्विस सेंटर ये ले गया था तो सर्विस सेंटर वाले ने बोला है कि जितना इसका खर्चा आएगा उतने में तो नया फ़ोन आ जाएगा, सो वर्थ इट नहीं है इसको सही करवाना। और बाहर से इसको बताया 8,000 रुपये लग जाएंगे, लेकिन 8,000 लगाने के बाद कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि लोकल शॉप से इसने पता किया तो उन्होंने कहा 8,000 लगेंगे, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि कितने टाइम चले। सो सर्विस सेंटर वाले ने तो मना कर दिया, तो मैंने इसको यही सजेशन दिया कि ये सही ना करवाए, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले ऑलवेज बेटर सजेस्ट करते हैं। सर्विस सेंटर पे वो जो लेडी बैठी हुई थी ना, वो तो फोन देख के हंसने लगी, कह रही ये ठीक कराने क्यों लाए हो, इसने बचाई क्या है। तो भाई अभी मैं आ रखा हूँ, एक पार्सल आ रखा था अमेजोन से, तो पार्सल रिसीव कर लिया मैंने। बता दे भैया पैसे कम नहीं कर रहे भैया, पैसे तो कम होते ही नहीं भाई, बिल्कुल पैसे कम नहीं कर रहे भैया, कम तो होते ही नहीं भाई, ये बोलो बोलो। तो भाई ये पार्सल आप ऐसा जमाना है, घर जाके आपको दिखाते हैं, घर जाके दिखाते हैं क्या है इस बॉक्स के अंदर। कर रहा था ऐसा कोई सरप्राइज नहीं है, नॉर्मली गीजर है। तो ये कल इंस्टॉल करवाएंगे तब दिखाएंगे, कल का व्लॉग का कंटेंट बनाएंगे इसके, आज रिवील नहीं करेंगे गाइस, खोलना नहीं है इसको, खोल के क्या ही दिखाएंगे, गीजर ही होगा। आप अगर चाहते हो बिल होगा इसके अंदर गाइस, अमेजोन से मंगाया हमने, उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, ये 5 स्टार है, सो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने का इसको परचेज किया। अगर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में चाहिए तो कमेंट्स में बताओ जाके, मैं जल्दी से पिन कर दूंगा। सो ठीक है, ऑन है और वहाँ से पानी ऑन कर दिया भाई, इसके अंदर नट वगैरह है सो अभी खोल के कोई फ़ायदा नहीं, इसको वही इंस्टॉल करेगा हम पे, तो होगा बाल्टी है रे। सो इसमें बस हो गया क्रॉम्पटन का, बस और क्या है रख देता हूँ, कुछ इंस्ट्रक्शन रखे हैं जिसकी हमें आज तक कभी ज़रूरत पड़ती नहीं। देख रहे हो सुबह, इस दिल्ली का मौसम ऐसा हो रहा है जैसे लग रहा है बर्फ गिरने वाली है, लगता है बर्फ पड़ने वाली। सो अभी ऊपर खाना पीना खा के मैं ऊपर अपने रूम में आ चुका हूँ, और अब करते हैं हर रोज का लास्ट काम जो कि एडिटिंग। पीसी करते हैं ऑन और लगते हैं एडिटिंग पे। होप आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो आप सभी को पता है कि किस तरीके से प्यार दिखाया जाता है, लाइक कमेंट एंड शेयर करके। सो इस व्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे एंड, और मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, बाय।